नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NPS कोचिंग क्लासेस पर। अपने क्लास 12 मैथ्स का जो कोर्स है वो शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर आज अपनी एलजेब्रा शुरू करेंगे। एलजेब्रा के अंदर देखिए क्या है आपके सब्जेक्ट में, जो एलजेब्रा का पोर्शन है, एलजेब्रा यानी कि बीजगणित, इसमें तीन एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज नंबर 3 मैट्रिक्स है, फिर है एक्सरसाइज नंबर 4 डिटर्मिनेंट, जिसे सारणी कहेंगे, और एक्सरसाइज नंबर 5 जो कि है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का व्युत्क्रम। तो ये तीन एक्सरसाइज है, ठीक है। अब अपने मेन शुरू करेंगे मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अपने को। आपकी दो ही एक्सरसाइज है इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर 3.1, 3.2 और एक मिसलेनियस है यानी कि विविध प्रश्नमाला। लेकिन इससे पहले मैट्रिक्स की अपने क्या क्या चीज़ें देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, और इसके अलावा इसके जो टाइप हैं, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स हैं, साथ ही साथ मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने देखेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, किस फॉर्म में इसको लिखा जाता है, एलिमेंट क्या है, नोटेशन क्या है, इसको कैसे अपने शो करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट लिखे होंगे उसके जो तत्व हैं उनको किस हिसाब से लिखे जाएंगे, मैट्रिक्स तैयार किससे करी जाएगी। अगर आपको जनरल कह दें कि ये एक एलिमेंट है AIJ कुछ इस प्रकार से i+j/2, तो 2×2 की मैट्रिक्स तैयार करें, तो ये किस हिसाब से करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपकी, तो ये सारी अपने इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्वेल्थ के आपके फ्रेंड्स हैं, ग्रुप हैं, उनके अंदर शेयर करें, ताकि सभी अभ्यर्थी जो है इसका लुफ्त उठा सके। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए अपने अब डेफिनेशन देखते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड, यानी इसका एक ऑर्डर होगा, ऑर्डर्ड, और ये रेक्टेंगुलर होगी, मतलब स्क्वायर में भी हो सकती है लेकिन जनरल फॉर्म इसकी क्या रहेगी, रेक्टेंगुलर। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे, यानी कि उसकी जो अरेंजमेंट है ऑफ सेम नंबर, यानी इसमें सेम नंबर्स होंगे या फिर क्या होगी और क्वांटिटी। देखिए मैट्रिक्स क्या होगी, एक ऑर्डर्ड होगी, मतलब एक ऑर्डर के अंदर लिखी होगी, और ऑर्डर कैसा होगा उसका, रेक्टेंगुलर, और उसके अंदर सेम नंबर होंगे और क्या होगी, क्वांटिटी, या तो क्वांटिटी होगी कोई मात्रा लिखी होगी या क्या होंगे, नंबर। दूसरी चीज, ये जो नंबर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इट कैन बी रियल, इट कैन बी रियल और इमेजनरी, यानी ये काल्पनिक और वास्तविक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों में से कोई भी हो सकता है। दूसरी चीज, इसके नोटेशन कैसे लिखेंगे, नोटेशन इसको लिखने के मैट्रिक्स को तीन तरीके हैं। एक तो आप ऐसे बिल्कुल बंद करके लिखें, जैसे मान लीजिए आप कोई नंबर लेते हैं यहाँ पे 3, 4, 5, 1, 2, 0, ये मैट्रिक्स है। इसी मैट्रिक्स को और किस हिसाब से लिख सकते हैं आप, जैसे अपने मोड लगाते हैं ना दो बार, उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक देखिए, एक में तो ये क्या है, आप कॉर्नर इसके बिल्कुल शार्प रख सकते हैं, ठीक है। एक इसी प्रकार से मैट्रिक्स आप थोड़ी सी ऐसे कर्व के अंदर लिख सकते हैं, ये जो मोड़ हैं इसके घुमावदार होंगे, ये भी मैट्रिक्स है, तीनों का एक ही मतलब है। अब डिटर्मिनेंट वाली, इसमें अगर कोई कहे कि डिटर्मिनेंट होता है मोड़ में, तो डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक मोड होगा, एक लाइन होगी, दोनों नहीं होगी, ये डिटर्मिनेंट होंगे,
जब आप दो लाइनों से इसको शो करते हैं तो ये क्या बनेगी, मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं 3, 1, 4, 2, 5, 0, ये इस मैट्रिक्स के क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स को लिखने का तरीका है ए आई जे, ठीक है। अब आई और जे क्या है, आई तो शो करेगी किसको, पंक्ति को, और जे किसको शो करेगा, स्तंभ को, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब आई तो क्या करेगी, पंक्ति को शो करेगी, यानी कि रो को। आई रिप्रेजेंट करेगी किसको, रो को, कि कौन सी रो का कौन सा एलिमेंट है। जे करेगा यहाँ पर किसको, रिप्रेजेंट कॉलम को, ठीक है, ये ध्यान रखें। और दूसरी चीज़, एक और चीज़, मैट्रिक्स को जब आप लिखेंगे तो उसको कैपिटल ए बी सी या एम एन, जो भी आपका नाम हो, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या है, रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल। और इसके जो एलिमेंट है वो किससे शो करेंगे, स्मॉल लेटर से, और आई और जे की फॉर्म में। दूसरी चीज़, तीसरा आता है ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर के लिए अपने ध्यान रखेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, उसको लिखने के लिए, ए मैट्रिक्स है तो उसको लिखने के लिए अपनी यहाँ क्या लिखेंगे, एम क्रॉस एन। एम तो है वही सेम पंक्तियाँ, और एन क्या है, कॉलम, यानी रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ। एम यहाँ पर रो है और एन क्या है, कॉलम, ठीक है। ये है इसका बेसिक। अब आपको कहे कोई कि ए आई जे, अब इसको कोई भी मैट्रिक्स, जैसे ये है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो सबसे पहले तो ए मैट्रिक्स है ये, ठीक है, ए मैट्रिक्स है तो अपने ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एलिमेंट भी किससे करेंगे, ए से। कितने एलिमेंट है, 6, तो 6 टाइम ए लिख लिया। अब अपने बात करते हैं पहला 3, 3 कहाँ पे है, फर्स्ट रो के अंदर है और फर्स्ट ही कॉलम के अंदर, तो आई और जे दोनों का मान कितना होगा, तो पहला एलिमेंट जो 3 है वो क्या है, A11। ये जो 1 है, नेक्स्ट ये 1 क्या है, पहली रो है, कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो पहली रो सेकंड कॉलम। इसी प्रकार से ये आ जाएगा 2, 1, 2, 2, 3, 1 और 3, 2, ठीक है। तो ये आपको क्या रहेगा, अगर आपको कोई दे दे, अब मान लो कि जैसे अपने क्वेश्चन किया था एक कि ए आई जे, आपको एक ए आई जे दे दिया है, आई प्लस जे अपॉन में 2, तो आपको 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले आप 2x2 की मैट्रिक्स बनाएंगे, कितने एलिमेंट आएंगे इसमें, 4। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे आएगा A11, तो A11 आई और जे की जगह 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, 1+1 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 2, यानी कि 1, ये आ जाएगा आपका A11। तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह 1। अब ये वाले एलिमेंट निकालना है, तो ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, तो यहाँ कौन सा आएगा, A12। आई की जगह 1, जे की जगह 2 रखोगे, आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो ये कितना आ जाएगा इस बार, 3 अपॉन 2, तो A12 इसकी जगह आ जाएगा 3 अपॉन 2, इसी प्रकार ये 3 अपॉन 2, और लास्ट वाला जो है उसमें क्या आएगा, दोनों ही 2 आएंगे, क्योंकि ये सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम है, तो A22, तो आई और जे दोनों का मान 2 और 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4, 4 अपॉन 2 करोगे क्या आ जाएगा, 2, यानी कि ये मैट्रिक्स आपको क्या मिलेगी, अगर ए आई जे आई प्लस जे अपॉन में 2 है तो 2x2 की मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1, 3x2, 3x2 और 2, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपने देखते हैं इसके टाइप्स, मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप्स हैं, ये देखने बहुत ज़रूरी हैं, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि 3.1 एक्सरसाइज जो है वो इसी के बेसिस पे है। और अपने जो हैं ये करने के बाद, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी या इसी क्लास में, अपने इसके 3.1 एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो अब अपने इसके टाइप्स देखते हैं, कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है, क्या क्या उसकी
प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, अब अपने देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के प्रकार। कितनी प्रकार की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहला अपने देखेंगे, एक एक करके सारे देखेंगे, रो मैट्रिक्स। ठीक है, साथ में मैट्रिक्स लिखना थोड़ा ज़्यादा हर बार लेंथी होगा, तो सिंपल शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, रो मैट्रिक्स, या इसको पंक्ति मैट्रिक्स भी कहते हैं। होगा क्या, इसके अंदर सिर्फ एक पंक्ति के अंदर एलिमेंट होंगे। जब अपने एम क्रॉस एन लिखते हैं तो पहला पंक्ति, दूसरा क्या होता है स्तंभ, रो और कॉलम होते हैं, तो इसमें पंक्ति जो है वो एक ही रहेगी, एक ही पंक्ति के अंदर होंगे, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। कहने का मतलब A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा, ऐसे करके A1n तक, क्योंकि A1 क्रॉस n की है, रहेगा ध्यान। सेकंड अपने देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे इसमें रो है तो उसमें एक कॉलम होगा, A11, A21, A31 एंड सो ऑन, An, M1, M क्रॉस N की मैट्रिक्स होती है, पंक्ति और ये स्तंभ, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्तंभ है तो स्तंभ क्या आएगा, एक, और पंक्तियाँ कई है, ज़रूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट हो, एक अगर ये है तो ये भी एक पंक्ति है, चाहे इसमें एक ही एलिमेंट है, तो एक स्तंभ है, पंक्तियाँ कितनी हैं, काफ़ी सारी हैं, ये क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद अपने बात करें तीसरा, तो वो आ जाएगी जीरो या नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, नाम से पता लग रहा है सारे एलिमेंट क्या होंगे, एम क्रॉस एन की होगी और सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो, जितनी भी हो सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो, ये ध्यान रखें। ठीक है, जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे एलिमेंट इसके क्या होंगे, जीरो। ठीक है, अब फोर नंबर देखें, अगर फोर नंबर पे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से पता लग रहा है स्क्वायर मतलब कि वर्ग। अब इसमें m और n जो अपना ऑर्डर होता है, m और n स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर में जैसे लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं, उसी प्रकार इसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अपने ये लिख सकते हैं कि m क्रॉस n की होगी, m m की या n क्रॉस n की, जितनी पंक्तियाँ होंगी उतने ही क्या होंगे, स्तंभ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2x2 की हो सकती है, 3x3 की हो सकती है, 4x4 की हो सकती है, ये सारे ये कैसे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद अगर अपने बात करें पाँच नंबर पे, तो वो आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल यानी कि विकर्ण। अब इसमें क्या होगा, सिर्फ विकर्ण के एलिमेंट होंगे, उसके अलावा सारे क्या होंगे, जीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, विकर्ण के एलिमेंट लिखूँगा 3, 4, 5, बाकी सारे के सारे क्या हैं, जीरो। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, लेकिन विकर्ण इसमें क्या है, जीरो। ठीक है, ये हो गई विकर्ण मैट्रिक्स। इसके बाद विकर्ण के अंदर ही एक डायगोनल के ही एक हिसाब से आप पार्ट मान सकते हैं, सिक्स नंबर पे स्केलर सदिश। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होंगे, ये जो विकर्ण के एलिमेंट हैं ये सारे क्या होंगे, बराबर। फॉर एग्जांपल के कोई एलिमेंट है तो सभी के सभी एलिमेंट इसके विकर्ण के क्या होंगे, के ही होंगे। 3x3 की लिख सकते हैं आप, 4x4 की, जो आपका मन करे। ठीक है, तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, ये है स्केलर मैट्रिक्स। अब इसी के अंदर थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करें तो यूनिट और आइडेंटिटी, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा, नाम से पता लग रहा है इकाई मैट्रिक्स या तत्समक, आइडेंटिटी को अपने तत्समक कहते हैं, यूनिट इकाई हो गया। इसके अंदर क्या होगा, होंगे डायगोनल के एलिमेंट ही, लेकिन कितने होंगे, 1। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में तीनों डायगोनल के एलिमेंट होंगे, बाकी सारे 0।
स्केलर के अंदर डायगनल के एलिमेंट होंगे, लेकिन यहाँ डायगनल में जैसे अलग अलग थे, यहाँ पे क्या होंगे, सेम होंगे, कुछ भी, तीन तीन तीन, चार चार चार, पाँच पाँच पाँच, पॉइंट में ए बी सी, कुछ भी सेम होंगे। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स अपने 7 नंबर पॉइंट अगर अपने देखें तो उसमें क्या होंगी, ये तीनों एलिमेंट 1 1 1 होंगे, वो कहलाएगी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद अगर अपने आगे देखें 8 नंबर पॉइंट, ये आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, रोक करके वीडियो को। 8 नंबर पॉइंट 7 हो चुके हैं, 8 नंबर पॉइंट है आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर दो हिस्से आपको पढ़ने हैं, एक तो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बहुत आसान है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक आता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब नाम से ही इनको ध्यान रखना है, अपर या ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, लोअर यानी कि निम्न या निचली त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। जब आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसके अंदर अगर अपर है तो डायगनल के साथ साथ ऊपर वाले एलिमेंट होंगे और बाकी सारे क्या होंगे, जीरो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी में लूँ तो मान लीजिए आप यहाँ पर कोई एलिमेंट लिए मैंने, देखिए 1 2 3 0 4 5 0 0 6। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि किस साइड बन रहा है, ऊपर के साइड, तो ये कहलाएगा आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और बाकी एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई भी एक एलिमेंट 5 दे दे तो ये अपर ट्रायंगुलर है, नहीं, डायगनल के अलावा ऊपर वाले को छोड़ के बाकी जो नीचे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो। लोअर के अंदर आप समझ ही गए होंगे, लोअर में क्या आएगा, इस बार इधर के एलिमेंट होंगे और बाकी क्या होंगे, जीरो। ये ट्रायंगल बन रहा है लोअर नीचे वाली साइड, ठीक है। और इसी प्रकार ये तो थी 3x3 की मैट्रिक्स, अगर यही आप 2x2 की बनाना चाहें लोअर में तो क्या बनेगी, सिर्फ इतना लिखा जाएगा कि डायगनल और उसके अलावा लोअर वाली साइड ये ट्रायंगल बने। और ऐसी अपर के अंदर छोटी लिखनी हो आपको 2x2 की तो क्या आएंगी, 1 2 3 और यहाँ आ जाएगा 0, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सिंपल है। अब इसके बाद कुछ एक प्रॉपर्टीज़ बचती हैं, टाइप्स अपने हो गए हैं, इसके बाद कुछ एक इसकी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं लास्ट, और इसी के साथ अपनी जो इसमें सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये 3 पॉइंट हैं और उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके बाद ये मैट्रिक्स की जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 से शुरू करेंगे, एक क्लास के अंदर 3.1 कंप्लीट हो जाएगी, 9 क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट करेंगे 3.2 और फिर मिसलेनियस जो भी एक्सरसाइज है। तो नोट कर लिया होगा आपने, अब अपने प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसकी, जिसके अंदर आपको बता ही दिया है कि 3 प्रॉपर्टीज़ है अपनी। एक तो ट्रांसपोज आएगा मैट्रिक्स का कैसे करना है, क्या क्या उसमें ध्यान रखना है, फिर आएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 3 चीज़ें हैं और उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले अपने ट्रांसपोज देखते हैं, पहला अपना आएगा ट्रांसपोज, ट्रांसपोज या व्युत्क्रम, नहीं ट्रांसपोज, व्युत्क्रम तो इन्वर्स होता है। तो ट्रांसपोज करने का तरीका क्या है कि आप रो को तो चेंज कर दीजिए किस में, कॉलम में, या फिर कॉलम को कर दीजिए, एक ही बात है, कॉलम को कर दीजिए रो में चेंज। फॉर एग्जांपल ए ट्रांसपोज इसका नोटेशन है, अगर कोई मैट्रिक्स ए लेके चलें तो उसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, ए के ऊपर स्मॉल टी लगा देंगे पावर में उसके। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, इस रो को मैं कॉलम में लिख दूंगा और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दूंगा, तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया।
अगर 3x3 की हो तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो को लिखेंगे सबसे पहले कॉलम में, फिर सेकंड रो को कॉलम में लिखेंगे, फिर थर्ड रो को कॉलम में लिखेंगे। अब वीडियो को अपने हिसाब से स्लो या फास्ट कर सकते हैं, नॉर्मल स्पीड है, आराम से पढ़िए और नोट कीजिए वीडियो को पॉज करने के बाद। ये है ट्रांसपोज, 2x2 की मैट्रिक्स हो गई और ये हो गई 3x3 की मैट्रिक्स, ठीक है। अब सेकंड अपने चीज़ देखते हैं, वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित जिसे अपने कहें, तो सिमेट्रिक में क्या होगा? जब अपने ए का ट्रांसपोज करें और वो किसके बराबर आ जाए, ए के ही बराबर आ जाए, तो वो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे कोई ए लिखा, ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कीजिए क्या आएगा? पहले इसको चेंज करेंगे आप, किसमें लिखेंगे? कॉलम में, तो 1 3 है तो 1 3 आ जाएगा। फिर इसको चेंज करोगे, क्या लिखोगे? 3 4। तो गौर से देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हैं? सेम है। तो जब ये ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब थर्ड और लास्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें क्या ध्यान रखना है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ए का जो ट्रांसपोज है वो -a के बराबर आना चाहिए। अब इसी एग्जांपल को अगर आप लें थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो अगर यहाँ पे मैं ये लिख लूँ, है ना, तो अब इसका ट्रांसपोज कीजिए क्या आएगा? ए का ट्रांसपोज, पहले इसको चेंज करेंगे आप, 1 -3, फिर 3 और 1 को चेंज करेंगे। अब देखिए, a ये है और a का ट्रांसपोज माइनस से इसको जब आपने गुना कर दिया, तो माइनस से गुना करने पे 1 के भी, यानी इस डायगोनल वाले एलिमेंट के भी साइन क्या हो गए? चेंज, जो कि हर बार होंगे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं ये क्या होंगे? 0, ताकि बाकी तो ट्रांसपोज हो जाएंगे, बाकी एलिमेंट तो रो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, निशान भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन डायगोनल वाले एलिमेंट हमेशा अपनी जगह पर ही रहते हैं, चाहे कितने भी बड़ी मैट्रिक्स। अब ये देखिए, 1 1 7 है तो यहाँ ट्रांसपोज में भी 1 1 7 ही है, डायगोनल के एलिमेंट हमेशा सेम रहेंगे, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में अपने को ए का ट्रांसपोज -a के बराबर लाना है, तो माइनस से भी इसको गुना करना पड़ेगा, तभी अपने इसको -a ट्रांसपोज लिखेंगे और चेक करेंगे क्या ये बराबर है या नहीं है। उसके लिए डायगोनल के एलिमेंट हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होंगे? 0 होंगे, ये ध्यान रखनी है। एक चीज़ लिख सकते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ इट्स डायगोनल आर ऑलवेज जीरो। ये ध्यान रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं डायगोनल के, वो हमेशा क्या होंगे? 0 होंगे। ये स्क्यू सिमेट्रिक में ध्यान रखना है। अब अपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इससे रिलेटेड एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो छोटी छोटी बिल्कुल, वो थोड़ी सी अपने को ध्यान में रखनी है। देखिए, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स ले लूँ मैं, नोट में लिखें आप कि ए और बी अगर मैं दो सुटेबल मैट्रिक्स ले लूँ, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए अच्छी हो, लायक हो,
ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज करने पर मेरे को क्या मिलेगा? ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, ए और बी का जब आप गुना करके फिर ट्रांसपोज करते हैं तो वो बराबर आता है पहले बी का और फिर ए का ट्रांसपोज। यही प्रॉपर्टी आपकी इन्वर्स करते टाइम रहेगी, जो एक्सरसाइज फिफ्थ है उसके अंदर भी ये रहेगी कि आप यहाँ पे इन्वर्स करें हैं तो बी का इन्वर्स पहले होगा ए का उसके बाद, ठीक है। ये हो गई दो प्रॉपर्टीज़। इसके बाद एक और देखें कि कोई एलिमेंट ले आप कॉन्स्टेंट, उसका ए से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका क्या कर दें ट्रांसपोज। कि आपने के एलिमेंट लिया कोई भी 1 2 3 4 ए बी सी कुछ भी, उसको ए से गुना किया पूरे एलिमेंट के साथ। अब मैट्रिक्स में गुना करने का तरीका क्या होता है कि आप अगर 5A निकालते हो और ए का मान आपके पास 1 2 3 4 है तो 5A का मतलब होगा पूरे सभी एलिमेंट से इसका गुना होगा। 5 को 1 से 2 से 3 से 4 से करके आप जब लिखेंगे तो वो 5A होगा। इसी प्रकार K इंटू A, तो K का हर एक एलिमेंट से होगा, फिर उसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो आप K कॉमन ले सकते हैं वापस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल है। ये होगी तीन प्रॉपर्टीज़ इसकी। अब बात करते हैं अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लूँ मैं, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ली कोई भी एक, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को एक ए जो अपनों ने मैट्रिक्स ली है, अगर मैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज करूं, है ना, तो कोई एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसका नाम है बी सी, कुछ भी लिख सकता हूं। जब आप ए और ए का ट्रांसपोज, दो मैट्रिक्स लेंगे, ए मैट्रिक्स ली उसका ट्रांसपोज किया उसी में ऐड कर दिया तो आपको एक नई मैट्रिक्स मिली। ये मैट्रिक्स क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज अपने कर चुके हैं ऑलरेडी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर आप ए इंटू ए ट्रांसपोज कर रहे हैं या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए कर रहे हैं, ये भी क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन ए माइनस ए ट्रांसपोज ये क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट चीज़, आप किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे? कि आप एक मैट्रिक्स लें, अब आपको बताया कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और माइनस वाली क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप इन दोनों को लिखें, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और ये क्या होगी? माइनस वाली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, माइनस वाली होगी स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसको इसकी फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? आप इन दोनों को प्लस करें, जब आप प्लस करेंगे तो देखेंगे कि ए ट्रांसपोज कट जाएगा लेकिन ए और ए 2A मिलेगा, लेकिन मेरे को कितना चाहिए? 1A। इसके लिए मैं हाफ से इन दोनों को गुना कर दूंगा, तो हाफ ए यहाँ से मिलेगा, हाफ ए इक्वल में ए मैट्रिक्स के इक्वल। तो कहने का मतलब एक मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ये तो है आपकी सिमेट्रिक और ये है स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप किसी भी एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद अपने अब एक्सरसाइज शुरू करने जाएंगे 3.1, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसके बाद अपने इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट करेंगे 3.2, उसके बाद मिसलेनियस, और कंप्लीट करने के बाद अपनी एक्सरसाइज बचेगी 4th और 5th। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक व्हाट्सएप सभी जगह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं इनका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।